Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be busy land and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water together we will win this fight against covid-19 now open your social studies booklets of third standard open the chapter number 8 our occupations what is the meaning of occupations like our jobs hamari country ke kaun se part mein kaun, kaun log kya, kya? जॉब्स करते हैं ऑक्यूपेशन्स उनके काम क्या है इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑक्युपेशन द डिफरेंट ऑफ द पीपल वी नीड फूड टू ईट क्लोज टू वेयर एंड शेल्टर टू लिव इन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है फूड की खाने के लिए कपड़ों की पहनने के लिए शेल्टर क्या होता है छत और घर की रहने के लिए वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स विद द मनी वी अर्न और हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलती है खाना कपड़ा और घर जब हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं टू अर्न मनी वी हैव टू डू वर्क और मनी अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कुछ काम करना पड़ता है एनी वर्क दैट हेल्प्स अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन और कोई भी काम जो किसी आदमी की पैसे कमाने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज और लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम्स में बिजी हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड एबिलिटीज उनकी जैसे उनकी एबिलिटी अब उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग और उनकी नीड के अकॉर्डिंग लेटर्स लर्न अबाउट द मेन ऑक्यूपेश ऑफ द पीपल इन आर कंट्री और हम किसके बारे में पढ़ेंगे हमारी कंट्री के जो मेन ऑक्युपेशंस हैं लोगों के फर्स्ट इज फार्मिंग फार्मिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजिस दे आर मेन ऑक्युपेशन इज फार्मिंग दे ग्रो डिफरेंट टाइप टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मेजोरिटी होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग जो इंडिया है, में है वो कहाँ पे रहते हैं विलेज़ में गाँव में रहते हैं और उनका मेन काम क्या है खेती करना फार्मिंग होता है खेती करना सी दिस पिक्चर इन दिस पिक्चर लेडीज़ आर डूइंग फार्मिंग और वो क्या करते हैं अपने खेतों में डिफरेंट टाइप्स की फसलें ग्रो करते हैं क्रॉप्स क्या होती हैं फसलें द फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर्स क्या करते हैं बहुत मेहनत करते हैं फसलें उगाने के लिए दे सॉ सीड्स वाटर द स्पलिंगस एंड एड मोर और फर्टिलाइजर्स टू मेक द सॉयल फर्टाइल फार्मर्स कर क्या करते हैं वो बीज को बीजते हैं फिर उसमें पानी भी डालते हैं और उनमें क्या ऐड करते हैं कुछ रे जिसको हम रे और स्प्रे बोलते हैं ऐसी चीज़ें मिट्टी को सही बनाने के लिए उसमें डालते हैं ऑल क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन थ्रू द ईयर सारी की सारी फसलें एक साल में नहीं हो सकती हैं सम क्रॉप्स लाइक राइस शुगर केन एंड कॉटन आर ग्रोन इन समर जैसे कि राइस गन्ने और कॉटन वो कब ग्रो की जाती है समर में गर्मियों में क्रॉप्स लाइक वीट मस्टर्ड एंड ग्रैम आर ग्रोन इन विंटर और जैसे कि कनक और मक्की वगैरह होती है वो वो कब लगाते हैं विंटर में आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर क्लीनड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल हार्वेस्ट करना क्या होता है फसलों को काटना फसलों को काटने के बाद जो फसलें होती हैं उनको कहाँ पे भेज दिया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन फार्मिंग और बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं फार्मिंग में कॉटन ग्रोन वाई द फार्मर्स इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ इन टेक्सटाइल मिल्स मैनी पीपल वर्क इन दीज मिल्स जो कॉटन फार्मर्स अपने खेत में उगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कपाह और नरमा लगाना ठीक है वो क्या होता है उनको कहाँ पे भेजा जाता है टेक्सटाइल मिल्स में वहाँ पे जाके क्या होता है उस कॉटन से कपड़ा बनता है और बहुत सारे लोग उन मिल्स में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फार्मिंग से लोगों को काम मिलता है इज लाइक टी एंड कॉफ़ी आर ऑबटेन फ्राम द लीव्स एंड सीड्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी प्लांट रिस्पेक्टिवली विवर्जेज़ होते हैं जैसे हमारी ड्रिंकिंग पान पीने वाली चीज़ें होती है टी होती है चाय और कॉफ़ी होती है वो कहाँ से मिलती है चाय के चाय मिलती है चाय के पत्तों से और कॉफ़ी मिलती है कॉफ़ी के प्लांट से तो उनमें से क्या होता है चाय के लीव्स को सुखाया जाता है सुखा के उनको उससे चाय तैयार की जाती है सेम कॉफ़ी तैयार की जाती है कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उनसे कॉफ़ी तैयार होती है दे आर प्रोसीड प्रोसीड एंड पैक्ड इन कार्टोन्स कार्टन और बॉक्सेस टू बी सेंड टू द मार्केट और इनको क्या किया जाता है इनको रेडी करके पैक करके कार्टन कार्टनस क्या होते हैं गत्ते के डब्बे और बॉक्सेस में पैक करके उनको मार्केट में भेजा जाता है सम पीपल आर इंगेज इन मेकिंग शुगर एंड जैगरी फॉर्म शुगर किन कुछ लोग क्या काम करते हैं वो शूगर चीनी और जैगरी होता है गुड़ गुड़ और चीनी बनाते हैं किससे गन्ने से वो भी उनका काम है कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे दस 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 बारह आदमी काम करते हैं उनको भी वहाँ से काम मिल रहा है पैसे मिल रहे हैं सम पीपल आर इंगेज इन मेकिंग रोप्स सैक्स एंड बैग्स फ्रॉम द जूट फाइबर और कुछ लोग क्या करते हैं जो जूट का फाइबर होता है उससे क्या बनाते हैं रस्सी बनाते हैं थैले बनाते हैं और बैग्स बनाते हैं सम पीपल वर्क इन मिल्स और फैक्ट्रीज वेयर कुकिंग ऑयल इज़ मेड फ्राम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड ग्राउंडनट एंड सन और कुछ लोग उन मिल्स में काम करते हैं जिसमें और फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे क्या होता है जो कुकिंग ऑयल होता है सरसों का तेल ग्राउंड नट होता है और सनफ्लावर होता है उसका तेल निकाला जाता है तो उन फैक्ट्रीज में वो काम करते हैं कैटल <laughs> रेयरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग खेती के साथ साथ एक और फार्मिंग होती है जिसमें क्या होता है कैटल रेरिंग रेरिंग होता है पालना कैटल क्या होती है गाय वगैरह को पालना और पोल्ट्री पोल्ट्री क्या होते हैं जहाँ पे मुर्गे वगैरह पाले जाते हैं मैनी पीपल कीप कैटल लाइक काउज बफेलोज शीप एंड गोट्स इन द फार्म्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं काउज को गाय मज होती है बफेलो शीप और गोट्स को अपने फार्म्स में रेयर करते हैं मतलब पालते हैं दीज एनिमल्स आर रेयर फॉर मिल्क मीट एंड वूल और इन एनिमल्स को किसके लिए यूज़ किया जाता है दूध निकालने के लिए इनका मीट बनाने के लिए और इनकी स्किन से क्या बनाने के लिए वूल जैसे शीप की स्किन से वूल बनती है द रेयरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग जो भी एनिमल्स दूध के लिए पाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं डेयरी फार्मिंग कहाँ से एक तो बफेलो से होती है गॉड से भी होती है शीप से भी होती है और काव से भी होती है सम पीपल ऑल्सो रेयर रेयर हैंज डक्स एंड गीज़ फॉर एग्स एंड मीट बहुत सारे लोग क्या करते हैं पोल्ट्री का काम करते हैं जिसमें वो मुर्गियाँ डक्स गीज़ को रेयर पालते हैं किसके लिए एग्स और मीट बनाने के लिए द रेरिंग ऑफ हैंज डक्स एंड गीज़ इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग और इन चीज़ों को हैंड्स वगैरह को पालने को क्या बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर टूडे रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास वी सेफ वी होम थैंक यू